साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजा मा केम छो, कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। तो भाई सुबह सुबह ले रब का नाम और रब करेंगे तेरे काम। तो साथियों काम अच्छे होने चाहिए, काम अनैतिक नहीं होने चाहिए, तभी प्रभु जो है सहायता करेगा। बट आज के टाइम में मैं देख के आ रहा हूँ कि रेप, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के साथ साथ इंटरकोर्स करना, मैं सहम गई थी, मुझे बेवकूफ़ बना दिया, मुझे मिसकंसेप्शन में रख दिया और मेरा जो है जबरन शारीरिक शोषण करा। ऐसी कई स्थितियां लड़कियां थानों पर जाकर या अपने अपने विभाग में जाकर रिपोर्ट करती हैं और लड़के पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करती है। अब करे क्या बेचारी पुलिस भी, जैसे रिपोर्ट आती है तुरंत जो है उसमें FIR काटेगी, लड़कियाँ कराएगी मेडिकल और इमीडिएटली जो है प्रोसीड करेगी कार्रवाई के लिए, और गलती इनकी भी नहीं है। इन सेंसिटिव मैटर्स में पुलिस का ये दायित्व है कि सबसे पहले एविडेंस को कलेक्ट करे जो केस की मटेरियल एविडेंस है, ताकि वो एविडेंस जो है वो डेटोरेट ना हो। बट हैरानी की बात तब होती है कि जब लास्ट इंटरकोर्स करीबन 6 महीने पहले हुआ है तो इसमें क्या लॉस हो जाएगा? पर उसके बावजूद भी ये महान पुलिस उस दिन पहनी हुई अंडरवेयर, उस दिन पहनी हुई ब्रा, लड़के का उस दिन पहना हुआ अंडरवेयर, उस दिन पहनी हुई बनियान को जब्त करने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। समझना चाहिए पुलिस को भी कि आप पर एक दायित्व है कि आप रूल ऑफ लॉ को जो है मेंटेन कर सकें और इसके साथ साथ सही व्यक्ति को न्याय दे सकें। पर होता क्या है, जैसे लड़की रिपोर्ट लेके आती है, वो रिपोर्ट में साफ साफ लिख रही है कि हम साथ साथ घूमे, हमने सेक्स को जो है इंजॉय किया, लास्ट सेक्स जो है मेरा इस तारीख को हुआ है और मैं करीबन करीबन 6 महीने बाद 7 महीने बाद रिपोर्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सहम गई थी। भाई कौन सहम गई थी? वो लड़की जो काम कर रही है एक बड़ी कंपनी में, जिसके क्लाइंट्स जो है बाहर के देशों में है। ऐसी लड़की जो कि लगातार कम्युनिटी में है, उसका परिवार है और वो इस मैटर को डिस्क्लोज करके इजीली तत्समय न्याय प्राप्त कर सकती थी, बट ऐसा हुआ क्या कि उसको लगे 6 महीने। और स्टोरी बड़ी सिंपल है लगभग लगभग हर केस में, कि लड़की का प्रेशर होता है कि भाई तुम मुझसे शादी कर लो या मुझे जो है इतना रुपया दे दो। अल्टीमेटली जब वो प्रोमिसेस फेलियर हो जाते हैं तो वहाँ बनता है केस ऑफ रेप या सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ फॉल्स प्रॉमिस। ये सब बातें मैं आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि दिस हैज़ बिकम द कॉमन प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी। इसलिए लोग डरे हुए शादी करने से, शादी करो तो केस लगा देवे, नहीं करो तो केस लगा देवे। कर ली और उसके साथ साथ उसको अच्छा ट्रीट किया पर ये बोलेगी क्या कि साहब डावरी हैरेसमेंट किया है, मुझे ह्यूमिलेट किया है, हैरेस किया है। तो कुल मिला के फंदा जो है वो पुरुषों के गले में है और पुरुष उससे कैसे बचें, कानूनी समाधान क्या है, ये सब आज हम खोल के डिस्कस करने वाले हैं इन लाइट ऑफ रिसेंट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट, जो कि है 28/6/2024 का, जिसमें एक FIR को रद्द किया जो कि रेप और प्रॉमिस टू मैरी ऑन फॉल्स प्रिटेक्स से जो है वो जुड़ी हुई है। साथियों कोर्ट ने कहा कि अगर पक्षकारों के मध्य लंबे समय तक रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप टूट जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंसेंट ही ख़त्म हो गई। जब कंसेंट को आप ढूंढने निकलते हैं और खासकर कंसेंट इम्प्लाइड है, तो उस स्नैरियो में एविडेंस के साथ साथ फैक्ट्स के साथ साथ सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है उनको भी देखना होगा, ताकि हर एक चीज़ का कोरोबोरेशन प्रॉपर तरीके से हो सके और जो दोषी है उसको सज़ा मिल सके। इनोसेंट को सजा दे दी तो वहाँ पर कानून का मौखल हो गया है, ऐसी स्थिति भी जो है पैदा हो जाएगी। साथियों यहाँ पर लड़की जो है थाने पहुँचती है और इंसेप्शन पर FIR कटती है सेक्शन 417, सेक्शन 376 IPC में और चार्जशीट में धारा 493, धारा 506 IPC को भी जोड़ दिया जाता है। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि फॉल्स प्रिटेक्स्ट पर अगर इंटरकोर्स है तो वो रेप नहीं है, कानून में लिखा हुआ है। पहले था 493 IPC में, अब ये हो गया है 69 BNS में। पर अभी भी ये लकीर के फकीर ये मांग के चलते हैं कि अगर तुमने किसी लड़की के साथ सेक्स किया है, चाहे जबरन किया हो, तो वो रेप है। रेप कब बनेगा? कि जब वो लड़की की कंसेंट नहीं है, लड़की का विल नहीं है, पर ऐसा इंटरकोर्स जो कि अंडर डिसेप्शन है तो उस कैटेगरी को रेप माना ही नहीं गया है। तो इसलिए दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती है, ये भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनी। साथियों यहाँ पर जो परिवादिया है वो थाने पहुँचती है और वो एक रिपोर्ट लिख कर देती है, जैसा हर केस में होता है कि मैं तो अबोध बालिका हूँ और मेरे साथ जो है बलात्कार हुआ। ये कैसे हुआ जी? कि जो ये लड़का है इसकी मोबाइल रिपेयर की और रिचार्ज की शॉप थी, मैं इस शॉप पर जाया करती थी और मैं अपनी प्रीपेड सिम का रिचार्ज भी कराया करती थी। ठीक है साहब, रिचार्ज होते होते
हमारे बीच कब रिलेशनशिप फ्रेंडली हो गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं रोज़ जाती थी, कभी कभार जाती थी, रिचार्ज करा के अपने मोबाइल फ़ोन का आ जाती थी। अल्टीमेटली हमारे बीच रिलेशनशिप जो है वो फिज़िकल हो गए, और लास्ट रिलेशनशिप हमारे बीच में रहे 7/4/18 को, और इसे 3/7/18 को जो है FIR दर्ज करा दी। इसका कहना कि जो मेरा ये सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है किसी महिला के साथ जो है एंगेज हो गया, और ऑलरेडी मैरिड था, और इसने मेरे को जो है अवॉइड करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली मेरे साथ जो है धोखा हुआ, और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने इस मामले में जो है अक्यूज़ को गिरफ्तार कर लिया, उससे लिखवाया, कन्फेस करा कि तू मान कि मैंने इसको धोखा दिया है, और फॉल्स प्रिटेक्स्ट पर इसके साथ जो है रिलेशनशिप रखें। तो इसलिए मेहरबानी करके अब ध्यान रखना है आप सबको कि पुलिस फ़ोन करें तो आप अपना ज्ञापन जो है तुरंत सौंप दो, FIR को इमिजिएटली अरेंज करो, और ज्ञापन में साफ साफ लिख दो कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाए, जो पूछताछ करनी है आप कर लो, प्रॉब्लम क्या है, वहाँ क्या मिलेगा आके। भाई साफ बोलो ना कि तुमको अरेस्ट करना है, या साफ बोलो कि तुमको जो है रुपया चाहिए, ब्राइब चाहिए। यही नाटक हो रहा है आजकल, जो रियल कंटेंट पर बेस्ड है सारी स्थितियाँ। पर कम से कम अगर आप अलर्ट नहीं हो और आप डरते हो उन पुलिस का सामना करने से, तो कोई मतलब नहीं है इस तरह के पछड़े में पड़ने से। तो वहाँ जाके लड़की के पैरों में गिर जाओ, माफ़ी मांग लो, जेल जाओ और बाहर आ जाओ, तो क्या तुमको पुलिस माफ़ कर देगी, लड़की माफ़ कर देगी? कदापि नहीं, बल्कि तुम्हारा वो शोषण वो करेंगे जिसकी तुम संकल्पना और परिकल्पना भी नहीं कर सकते। नरक से बदतर ज़िंदगी तुम्हारी कर देंगे, क्योंकि तुम ये मांग के चलो कि वहाँ जो पुलिस वाले बैठे हुए हैं वो ना तो आपको सम्मान से बात करेंगे, अबे तबे आपसे अलग करेंगे, और आपको ऐसा फील कराएंगे कि जैसे आप बहुत बड़े अपराधी हो, आतंकवादी हो। जबकि पुलिस भी गवर्न है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से, CCA रूल से, और सेक्शन 198 BNS से। अगर वो गलत करेंगे तो उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, बट आपको हर एक चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है, लड़ाई के लिए आपको तैयार रहना है अगर आप गलत नहीं हो तो। क्योंकि हमारी गलती क्या है कि हमने लिखा पढ़ी नहीं करी, हमारी गलती क्या है कि हमने उस महिला पर विश्वास करा जो आराम से ही हमारे दौलत से, हमारे स्टेटस से मज़े लेने वाली थी, मज़े लेने के बाद हमें छोड़ने वाली थी, और अल्टीमेटली उसने हमें छोड़कर एक स्टोरी बनाकर पुलिस को मिसलीड करके हमारे विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई करा दी। और इतना सब होने के बावजूद भी पुलिस ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ UP की जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है उसको फॉलो करने को तैयार नहीं है। उसमें साफ साफ है कि अगर डिले 3 महीने की है रिपोर्ट में तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो, ठोस साक्ष्य हो तो आगे बढ़ो, अदरवाइज ड्रॉप कर दो। ये बहुत बड़ी बात है, फिर भी जो है फॉलोअप नहीं करते हैं उस जजमेंट को पुलिस वाले। तो कोर्ट में जब ये मामला गया, बंदा चार्जशीट हुआ, प्रसंगन लिया गया, सेशंस कोर्ट में गया, वहाँ भी हार गया, या हाई कोर्ट पहुँच गया। इसका कहना कि भाई मेरी दुकान है, इस पर इसका आना जाना था, रिलेशनशिप फ्रेंडली थे हम लोग, फिजिकल हुए, हमारे बीच कंसेंशुअल रिलेशनशिप थे, 6 साल चले, और जब मैंने उसको अवॉइड किया तो अल्टीमेटली इसने मेरे खिलाफ जो है केस कर दिया, जिसका अपोज जो है अपोजिट पार्टी ने करा। अब कोर्ट को यहाँ देखना था कि रेप बनेगा या नहीं बनेगा, फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो साथियों, हम सब जानते हैं कि जो रेप के वेरियंट है उसमें जो कॉमन वेरियंट है वो है कि विदाउट कंसेंट। उसमें क्या है कि फोर्स का इस्तेमाल होना, बॉडीली मार्क होना, और ऐसे अलामत बॉडी पर दिखाई देना कि यहाँ पर फोर्स का यूज़ करते हुए एक महिला के साथ जो है जबरन सेक्स किया गया है, जिसको हम कॉमनली रेप कहेंगे। साथियों कई बार ऐसा होता है कि कंसेंट तो है बट कंसेप्ट ली गई है अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ एक्ट। तो वहाँ पर सेक्शन 90 IPC का भी क्लॉज जो है लागू होता था पहले, अब ये सेक्शन भी जो है फर्दर चेंज हो गया है। तो हम दोनों तरह की मिक्स बातों को जो है करते हुए चल रहे हैं ताकि हमें इफिशेंटली जो है हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। तो कोर्ट ने यहाँ पर सबसे पहले लड़ाई किया ऑन जजमेंट ऑफ ध्रुवा राम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जजमेंट है 2019 का, जिसमें कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि अगर पक्षकार लंबे समय तक साथ हैं, उनके बीच संबंध है, तो वहाँ पर एविडेंस के साथ साथ सराउंडिंग सरकमस्टेंस को देखना भी आवश्यक है। दूसरी बात, जजमेंट है चंबू बनाम स्टेट ऑफ UP का, कि अगर प्रोसेस का मिसयूज़ हो रहा है तो वहाँ FIR तक को क्वेश्चन करना भी जरूरी है। तो कोर्ट ने कहा कि क्या फैक्ट्स थे, क्या सरकमस्टेंसेस थी, क्या कंसेंट थी, क्या कंसेंट नहीं थी, क्या कॉर्सिव मैनर था, क्या नहीं था, इसको हम किसी भी स्ट्रेट जैकेट फार्मूला को बनाकर तय ही नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। तो करना क्या है हमें कि जब भी हमें इस तरह के फैक्ट्स को एग्जामिन करना है तो हमको ये देखना है कि जो वो लेडी है वो कितनी मैच्योर है। दूसरी बात, क्या वो मेजर है, क्या वो माइनर है। तीसरी बात, क्या उसके पास सफिशेंट बुद्धि है टू टेक डिसीजन इंटेलिजेंटली। चौथी बात, इस तरह के व्यवहार से, समव्यवहार से क्या वो पहले भी जो है गुजर चुकी है। पाँचवीं बात, अक्यूज के साथ उसके संपर्क कितने रहे, कितने लंबे टाइम तक जो है वो संपर्क में रही है। और इसके अलावा दीपक गुलाटी का एक मामला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यह तक कहा गया कंसेंट एक्सरसाइज भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो फैट्स है उसमें लेडी जो है वो मैच्योर है, दूसरी बात एडल्ट है, तीसरी बात मैरिड है, उसके 3 बच्चे हैं, ये जो अक्यूज़ है उसका पड़ोसी है, आना जाना है, रिलेशनशिप फ्रेंडली है, लगातार इनके बीच में जो है एक्सचेंज ऑफ कॉल है, लव मैसेजेस हैं, इनके बीच संबंध जो है वो कंसेंचुअल हैं। तो कोर्ट ने कहा ऐसी परिस्थितियों में कि जहाँ पर लेडी खुद अपने पति को छोड़ रही है,
और किसी के साथ संबंध रख रही है, तलाक के केसेस फाइल कर रही है, तो इसका मतलब कोई ऐसी इल इंटेंशन नहीं थी अक्यूज़ की कि वो उसका देश रोशन करना चाहता हो, जबकि ये साथ साथ रहे, एक दूसरे के साथ जो है लंबे टाइम तक इनके संबंध रहे, और इसके साथ साथ रिलेशनशिप जो है वो कंसेंचुअल थे, वो भी फैट से, सरकमस्टेंसेज से, सराउंडिंग सरकमस्टेंसेज से साफ साफ दिखाई देता है। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैट एंड सरकमस्टेंसेज जो पिटिशन थी उसको अलाउ कर दिया और रेप केस को जो है यहाँ पर सेट असाइड करते हुए, और जो फॉल्स प्रॉमिस का आधार मानते हुए इंटर कोर्ट्स को बताया गया उसको सेट असाइड करते हुए आरोपी को जो है दोषमुक्त करने के आदेश दे दिए। क्लियर है? तो मेरा कहना यह है कि जब भी आप किसी लड़की के साथ संपर्क में हो और आपके बीच इंटर कोर्स है, तो लिखा पढ़ी कर लो, और उस लिखा पढ़ी में साफ साफ लिख दो कि मैं मैरिड हूँ और मेरी रिलेशनशिप आपके साथ में रहेंगे लिव इन रिलेशनशिप की फॉर्मेट में, और मैं किसी भी रूप में आपसे शादी करने में इच्छुक नहीं हूँ। अगर आप ये प्रोटोकॉल लेके नहीं चल रहे हो और बाद में झूठी रिपोर्ट लिखा देगी तो वहाँ पर आपको तकलीफ आएगी। जो भी खर्चे करो आप खातों में करो, खर्चे जो है दिखाई देने चाहिए, उसका प्रॉपर जो है अकाउंट्स मेंटेन करो वो दिखाई देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो फैक्ट्स और सरकमस्टेंसेज हैं उसके आधार पर क्या इन्फ्रेंस निकल के आ रहे हैं इसकी भी एविडेंस होने चाहिए। जैसे मान लो आप साथ साथ घूम रहे हो, होटल में जा रहे हो, कहीं पार्क में जा रहे हो, पिक्चर में जा रहे हो, हर एक चीज़ की फोटोग्राफ एविडेंस को प्रिजर्व करना और प्रॉपरली जो है ऑथेंटिकेट हो सके, तो जिस डिवाइस का यूज़ करके आप एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हो वो डिवाइस जो है प्रॉपरली आपको प्रिजर्व रखना है ताकि हमें कोई तकलीफ वहाँ पर नहीं आए। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके बचाव के लिए और आपकी जमानत याचिका के अंदर या आपकी क्वेश्चनिंग प्रोसीडिंग के अंदर। तो इन बातों को ध्यान रखें, बाकी और कोई डरने वाली बात जो है अपने को नहीं है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आया, पसंद आया। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।